एक बुलबुल अपने दो बच्चों के साथ एक पेड़ पर रहती थी। वहीं पास वाले पेड़ पर एक कौआ अपने तीन बच्चों के साथ रहता था। दोनों एक दूसरे के आमने सामने रहते थे। कोयल बहुत समझदार थी। वह अपने बच्चों के लिए खाना पीना और फल फ्रूट लाकर रख दिया करती थी। फिर कोयल ने कौवे से कहा, अरे बहना, तुम अपना घर क्यों नहीं बना लेती हो? आगे जाकर मौसम ठंडा आने वाला है, फिर तुम्हें दिक्कत हो सकती है। कौवे ने उसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और कहा, अरे अरे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा तो सारा प्रबंध हो रखा है, तुम फिक्र मत करो। मैं तो अपनी माँ के घर जा रही हूँ, वहाँ से मुझे फोन आया है, मेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, मैं तो जा रही हूँ। इतनी बात कहकर कौवे अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके चली गई। बच्चे पेड़ पर अकेले रह गए। काफ़ी देर तक कौवे जब वापस नहीं आई तो शाम तक एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। मम्मी गवाएगी जी, मुझे बुखार हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है। मम्मी कब आओगी? कौवे के बच्चे का रोना देख बुलबुल कौवे के बच्चे के पास पहुंच गई और देखा कि उसकी तबीयत खराब है। फिर वह उड़कर वैद्य लच्छू राम के पास गई और उसे बुला करके कौवे के बच्चे को पास लेकर आई। वैद्य लच्छू राम ने फिर उसको दवाई दी, बच्चे को थोड़ा आराम आया। फिर शाम को कौवे वापस आ गई अपने बच्चों के पास। बच्चों ने सारी बात कौवे को बताई। फिर एक दिन कोयल किसी काम के लिए अपने बच्चों को छोड़ जंगल में चली गई। पीछे एक सांप आ गया। बच्चे चिल्लाते रहे, बचाओ बचाओ, कब सांप आ गया, हमें खा जाएगा, कोई बचाओ। माँ जाओ ना, उनको बचाओ, चाची ने भी तो मुझे देखा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने मुझे कहा था, जाओ ना माँ, बचाओ उसे। कौवे के बच्चे बार बार कहते रहे मगर कौवे ने नहीं सुना। फिर लच्छू राम आया और उसने कोयल के बच्चों को बचाया। उसके बाद जब कोयल आई तो बच्चों ने सारी बात कोयल को बताई। कोयल ने बात सुनकर बुरा नहीं माना। एक बार बारिश बहुत तेज होने लगी। फिर कौवा बुलबुल के पास आया, बहन बहन, मुझे अपने घर में जगह दे दो, बारिश बहुत है, मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ठंड बहुत है। बुलबुल ने भी उसे प्यार से अपने घर में बुला लिया और खाना खिलाया। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, सबसे मित्रता का भाव रखना चाहिए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताएं। ऐसी और स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।